आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि मिर्जापुर के हरोरा में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर जिला प्रशासन ने पूरे गांव का निरीक्षण किया और पूरे गांव को सैनिटाइज भी करवा दिया गया। इतना ही नहीं, गांव की सभी सीमाओं को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने सूचना न देने पर कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया। हमारा नाम घनश्याम पटेल है, यहीं बसाड़ी के रहने वाले हैं, और ये जब से आया है गांव में हल्ला होने लगा कि बाहर से आया, तो फिर ये झूठ बोलता रहा कि हम दिल्ली से नहीं आए हैं, प्रशासन से भी झूठ बोला। फिर धीरे धीरे संदिग्ध लगने लगा, तो फिर प्रशासन एक्टिव हुआ, माननीय विधायक जी ने मदद किया, अनुराग जी ने। उसके बाद फिर प्रशासन की ओर जब ले गए वहाँ, तो फिर जांच हुआ, तो पूरे परिवार को उठा करके ले गए, और जब आज परिवार को छोड़ दिए, फिर आज जब उसका रिपोर्ट आया तो पॉजिटिव आया, और आज फिर उनके परिवार को ले गए हैं, और आज पूरा प्रशासन CMO से लेकर के CO साहब, SO साहब, पूरा प्रशासन यहाँ पर एक्टिव है, सैनिटाइज गाँव किया जा रहा है। देखिए, इस समय आज रिपोर्ट सुबह प्राप्त हुई है, जो हम लोगों ने कल भेजी थी BHO माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, जिसमें दो लोग, एक जमालपुर थाना क्षेत्र के, एक अरोरा थाना क्षेत्र के, जो लोग तबलीगी जमात में निजामुद्दीन मस्जिद में शामिल हुए थे, उनमें से छः लोगों में से दो लोगों का पॉजिटिव आया था, और तीन जो देहरादून के हैं उनका निगेटिव आया है, और जो छः थे जो उसमें जलसे में शरीक होने गए थे, उसमें से दो का पॉजिटिव आया, चार का निगेटिव आया। इस प्रकार दो लोग इस समय कोरोना पॉजिटिव आज डिटेक्ट हुए हैं। इनको हमने फैसिलिटी क्वारंटाइन में विंध्याचल में रखा था, और अब उसमें से दो जिनका पॉजिटिव आया, उनको विंध्याचल 30 बेड का जो हमारा कोविड-19 का L1 हॉस्पिटल बना है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, और बाकी सात लोग अभी भी विंध्याचल में जो पर्यटन विभाग का वो है हॉस्पिटल है, 4 बेड का नवनिर्मित, उसमें रखा गया है।